झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से होने वाले संक्रमण के मामलों में 70-75% तक सुरक्षा मुहैया कराती है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने ये शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। एजेंसी ने नवीनतम तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भारत में कोविशील्ड नाम से और फाइजर बायोनटेक वैक्सीन की दो डोज मौजूदा समय में सबसे अधिक प्रसारित कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले लक्षण वाले संक्रमण में बहुत कम सुरक्षा देती हैं। हालांकि देखा गया है कि तीसरी डोज वायरस के नए वेरिएंट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। यह अध्ययन ओमिक्रॉन के 581 मामलों के विश्लेषण पर आधारित है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि मौजूदा रुझान में बदलाव नहीं होता है तो इस महीने के अंत तक ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 10 लाख को पार कर जाएगी। एजेंसी ने कहा है कि वैक्सीन प्रभाव को लेकर शुरुआती आंकड़ों से लगता है कि वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर डोज शुरुआती दौर में अधिक प्रभावी है और करीब 70-75% तक लक्षण वाले संक्रमण में सुरक्षा प्रदान करती है। वायरस के वेरिएंट के शुरुआती अध्ययन पर आधारित होने की वजह से सभी आंकड़ों में अनिश्चितता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दोहराया है कि वैक्सीन अभी भी गंभीर कोविड के खिलाफ अच्छी सुरक्षा प्रदान करने की संभावना रखते हैं। गंभीर कोविड मामले में मरीजों को अस्पताल में इलाज की जरूरत होती है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने इम्यूनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर मैरी रैमसे ने कहा है कि इन शुरुआती अनुमानों को सावधानी के साथ ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दूसरी डोज लेने के कुछ महीनों बाद डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा अधिक है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से दुनिया भर के मामलों में वृद्धि हुई थी। डॉक्टर मैरी रैमसे ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि वैक्सीन कोविड-19 से पैदा होने वाली गंभीर स्थितियों के खिलाफ उच्च सुरक्षा दिखाएगी। ऐसे में यदि अपने अभी तक अपनी पहल की दो डोज नहीं ली हैं तो आपको तुरंत अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए। उन्होंने घर से काम करने, भीड़भाड़ वाली या बंद जगहों पर मास्क लगाने, हाथों को नियमित रूप से धोने जैसी चीज़ों को रेखांकित किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती है तो टेस्ट करवाना चाहिए ताकि कोविड-19 के खतरे को कम किया जा सके। इसे वैज्ञानिक विश्लेषण को तब जारी किया गया है ब्रिटेन में शुक्रवार को कोरोना के 58,194 नए मामले सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।